हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मेरे ट्रिप का आखिरी वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं थी हरिद्वार में और यहाँ पे हम लोगों ने अपने बेटे शिवाय का मुंडन करवाया और फिर शाम में हम गंगा जी की आरती में भी शामिल हुए थे। तो नेक्स्ट डे का ये है वीडियो और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम हरिद्वार छोड़ दिए क्योंकि हमारा फ्लाइट था 2 बजे अराउंड दिल्ली से रांची के लिए। तो हमें आज ही रांची भी निकलना है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब हरिद्वार छोड़े थे। और हरिद्वार से दिल्ली आने में भी काफ़ी टाइम लगा, अराउंड 6 घंटे का रास्ता था। और सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहाना मौसम था हरिद्वार का। बहुत लोग हमें बोल रहे थे कि हरिद्वार में अच्छा मौसम नहीं मिलने वाला है, बट ओवरनाइट हम लोग का स्टे था हरिद्वार में, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा वेदर हम लोग फेस किए। क्योंकि कल हम जब पहुँचे थे हरिद्वार तो बहुत ही अच्छा वेदर था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की और शाम तक थोड़ा ठंडा ही था, तो गर्मी नहीं लग रही थी उस तरह जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग और लोगों ने हम लोगों को बताया था कि काफ़ी गर्मी होगी हरिद्वार में, बट बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये है कुछ गंगा जी की क्लिपिंग्स। कल हम यहीं थे शिवाय के मुंडन के लिए, प्लस हम आरती में भी शामिल हुए थे। काफ़ी जगह पे बीच बीच में हमें बारिश भी मिली थी। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो एक जगह पे हम लोगों ने हॉल्ट किया और वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट किए थे। शिवू दौड़ के आओ मम्मा के पास। तो हम लोगों ने जिस जगह पे हॉल्ट किया था ब्रेकफास्ट के लिए, वो प्लेस था बिकानो फूड कोर्ट। और ये जो फूड कोर्ट था वो सजेस्ट किए थे हमारे ड्राइवर अंकल ने हमें, और यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी के साथ साथ फास्ट सर्विस भी था यहाँ का। तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग अराउंड 30-40 मिनट्स थे यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो यहाँ का मैं पूरी भाजी आप लोग को ज़रूर रेकमेंड करूँगी, वो बहुत ही अच्छा था। और प्लस जो पूरी था वो था वीट फ्लोर का, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पे छोले भटूरे भी ट्राई किया, तो वो भी डिलीशियस ही था। सब कुछ ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, बट पूरी भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और शिवाय को भी यहाँ पे मिल गया था फिर एक्वेरियम खेलने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था वहाँ पे, इन्जॉय कर रहा था। और जो पेबल्स यहाँ पे डाले हुए रहते एक्वेरियम्स में, उनको वो बार बार सोच रहा था कि जेम्स है और मम्मा चॉकलेट तो, मम्मा चॉकलेट तो, वो मुझसे कह रहा था। तो बच्चों का ये सब जो हरकत होता है वो सीरियसली बहुत ही क्यूट लगता है, तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी कि वो पेबल्स को कह रहा है मम्मा जेम्स दो, मम्मा चॉकलेट दो। और इन दिनों ना शिवाय बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गया, जो मैं मना करती हूँ उसे करने के लिए वो वही चीज़ करता है जो उसे नहीं करना होता है। तो अभी मोटर स्किल्स उसके बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो
वो क्लाइंबिंग करता है, जंप करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वो सब थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, मुझे डर लगता है कि वो गिर नहीं जाए, कहीं से चोट नहीं लगा ले, बट उसे ये सब चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अराउंड 12:20 हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और हमें रास्ता में इतना ज़्यादा रश मिला, हम तो सोच रहे थे कि आज हम लोगों का फ्लाइट मिस हो जाएगा, बट अंकल टाइमली हमें पहुंचा दिए एयरपोर्ट। तो अराउंड 6 days हम बाहर थे, बट जो टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों का बाहर बहुत ही अच्छा वो टाइम रहा। और एक चीज़ होता है ना कि जैसे हम बाहर निकले हुए हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लगता है कि यहीं पर रह जाते काश और यहीं पूरी ज़िंदगी हम अपना बिताते, बट एट टाइम्स जैसे ही 2-3 दिन गुजर जाता है तो घर का ही याद आने लगता है और घर का खाना याद आने लगता है, घर याद आने लगता है, अपनी सारी चीज़ें याद आने लगती है। तो वही हम लोग के साथ भी है, आप लोग पता नहीं इस तरह का कुछ फील करते हो या नहीं, अगर यही सेम फीलिंग है आप लोग की भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। और तो जब हम अभी घर जा रहे थे तो हम इतने ज़्यादा खुश थे, इतने रिलैक्स थे कि अब तो घर जाएंगे भाई, घर का खाना खाएंगे, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश थे। रांची हम पहुँचे अराउंड 3:30 में, और रांची में भी हम जैसे पहुँचे बस बारिश शुरू हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा वेदर हो चुका है और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुहाना वेदर हो गया है हम ही लोग के वेलकम के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग के साथ साथ शिवाय भी रिपीट कर रहा था, हम घर आ गए, हम घर आ गए, तो इस तरह का जब भी वो बात करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जो जिस तरह से शिवाय बात करता है तो वो हम बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मैं तो पूरे दिन उससे कुछ ना कुछ बात हमेशा करते ही रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और मेरा शुरू हो जाएगा लाइफ का जो डेली मेरा रूटीन होता है वो। तो यहाँ एंड कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिएगा अपना ध्यान, और मेरे चैनल्स पे और भी वीडियोस हैं मेरे हॉलीडेज से रिलेटेड, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो फ़िलहाल के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।